चार महीना व्रत नहीं कर पाए, कार्तिक व्रत किया उसकी तो बहुत महीना है। अगर कोई कार्तिक महीना कोई पूरी नहीं कर पाए ना, अभी जो केवल पांच, जैसे पितामह भीष्म ने कठोर प्रतिज्ञा की, कहते आज अगर कोई पांच दिन अभी एकादश से लेकर पूर्णिमा तक अगर कोई ठीक ठीक से व्रत कर ले, उनको चार महीना का व्रत करने का फल मिल जाएगा। इसलिए हमारे उड़ीसा में पंचोग्रंथी तेणु यदि कहीं चार मास व्रत न कर पारे खीरी, यदि कहीं गोटे मास कार्तिक मास करते पूरा फल मिलो, कि यदि गोटे मास न कर आज आज ठारु पांच दिन खाली यदि भल कर कहीं व्रत करेंगे तेरु कहीं एकादशी दिन कहीं अन्न खाइबनी, जोट सोट किड़ी किसी खाइबनी है, एकादशी में इधर उधर खरीद करके नहीं खाना है कोई चीज को। इसलिए मंदिर में जो प्रसाद मिलेगा, मंदिर जो प्रसाद मिले सीटा खाइब ठीक अच्छे, दुकान किड़ी किरी ये जिनसे खाइबनी कोठू बार व्रत नष्ट हो जाएगा। इसलिए तेणु चेष्टा करिए पांच दिन बेसिक हरि नाम करिबो, रोसे तो करिबा को हबनी है, खाली खाली दर्शन करो और बेसी बेसी माला जप करिबो। आज से कोशिश करना थोड़ी ज्यादा माला जप करने के लिए, क्योंकि ये पांच दिन जो व्रत कर लेगा उसको चार महीना व्रत का फल मिल जाएगा, इतने महिमा ये विष्णु पंचमुख का, इसलिए इसकी बड़ी महत्व है। तेणु समस्त मन देकर सब भलकर माला करिब, संसार कथा कहिबनी है, केवल महाप्रभुकर कथा महाप्रभुकर चिंता महाप्रभुकर नाम जप करिब समस्त ठीक है। Thank you.
कृष्ण हरे राम।